कंचन थाल कपूर के बाती मैया के भोग लगाइनी हो। जगदम्बा घर में दियरा बारियनी हो। जग तारन घर में दियरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता 2021 में किस वाहन पर, किस चीज़ पर सवार होकर आ रही हैं। और आप लोग का एक और सवाल था कि मतलब इस बार जो है 8 दिवसीय नवरात्रि है, 9 दिनों का नवरात्रि नहीं है, ये 7 अक्टूबर से शुरू है और 14 अक्टूबर को नौमी तिथि है और 15 अक्टूबर को दसवीं है। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कौन सी माता की हमें पूजा किस तारीख को करनी है, किस दिन को करनी है। तो आज मैं आपके जितने मन में संदेह भरे सवाल चल रहे हैं तो उसको आज मैं क्लियर करूंगी। तो आप थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आपको मालूम है कि नवरात्र जो है गुरुवार से प्रारंभ है और माता जो है इस बार, इस साल 2021 में डोली पर सवार होकर आ रही हैं। तो डोली पर सवार होकर आना क्या हमारे लिए शुभ संकेत है या अशुभ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, डोली पर सवार होकर माता आ रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत अधिक शुभ संकेत तो नहीं है। ऐसे तो माता रानी की हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, हमारा आगे का समय बहुत सही रहे और हम जो हैं हर रोग और कष्ट से दूर रहें, थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना कर रखिएगा। तो इससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर माता डोली पर सवार होकर आ रही हैं तो राजनीतिक जो है उथल पुथल भी थोड़ा सा हो सकता है और प्राकृतिक आपदाएं भी आने की संभावनाएं बढ़ सकती है, क्योंकि महामारी और बीमारी ऐसे तो हम 2 साल पहले से ही झेल रहे हैं, आगे भी बढ़ सकती है। तो डोली पर आना माता के लिए मतलब बहुत अधिक शुभ हम लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन हमें माता को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहनी है कि अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हे माँ आप बना कर रखिएगा और आगे का हमारा समय जो है इससे बेहतर कीजिए, इससे बुरा मत कीजिएगा। तो चलिए आगे जान लेते हैं। और माता की पूजा विधि इस बार हम 8 दिन में ही हमें करनी है, क्योंकि ये 9 दिवसीय नवरात्रि नहीं है। इस साल बड़े शुभ मतलब नवरात्रि के बहुत मतलब सालों के बाद ये 8 दिवसीय नवरात्रि पड़ा है, जो कि बड़ा शुभ है हम सभी के जीवन में। भगवान करे कि खुशियाँ भर जाए, माता रानी हम सभी की झोली भर दे। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी, माता रानी से। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किस दिन आपको किस माता की पूजा करनी है। तो सबसे पहले दिन 7 अक्टूबर को तो हम शैलपुत्री माता की पूजा करेंगे, 8 अक्टूबर को हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करेंगे, माता के दूसरे रूप की। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा माता की पूजा करेंगे। तो साथ में आप चाहें तो कुष्मांडा माता की भी पूजा कर सकते हैं, मतलब तीसरे दिन 9 तारीख को आप दोनों माता लोगों की, दोनों स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। दोनों के लिए मतलब अलग अलग भोग, अलग अलग स्वरूपों के लिए अलग अलग भोग भी माता को चढ़ा सकते हैं। और 10 तारीख को अगर आप चाहें तो साथ में स्कंद माता और कुष्मांडा माता के साथ 10 को भी आप कर सकते हैं, चतुर्थी और पंचमी की पूजा एक साथ कर सकते हैं, या आप जो है पंचमी और जो षष्ठी है षष्ठी की पूजा एक साथ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, दोनों माता की पूजा किसी मतलब चतुर्थी या पंचमी को मिलाकर चतुर्थी के दिन या 2 माताओं की पूजा कर लीजिए, या पंचमी तिथि को 2 माताओं की पूजा कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप करिएगा तो आपका जो है गड़बड़ नहीं होगा। फिर 11 को हमें कात्यायनी माता की पूजा करनी है, उनके साथ किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी और स्वरूप की। तो 11 को आप कात्यायनी माता की पूजा कर लीजिए। 12 को हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं, जिसमें हम निशा पूजा करते हैं, माता का सबसे विकराल रूप होता है
काल रात्रि माता की हम पूजा करते हैं। माता का जो है वो सातवां स्वरूप होता है, और 13 अक्टूबर को हम महागौरी स्वरूप में माता की पूजा करते हैं अष्टमी तिथि को, जो बड़ा ही मतलब अष्टमी तिथि के दिन आपको मालूम है बहुत ही शुभ कार्य किए जाते हैं, नारियल मंदिरों में तोड़े जाते हैं, फोड़े जाते हैं, माता को नारियल हम चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। तो अष्टमी जो है 13 को है, और नौमी जो है नौमी तिथि जिस दिन हम पारण करते हैं अपने व्रत को संपूर्ण करने के बाद, और हवन भी बहुत सारे लोग नौमी को ही करते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी हवन पहले किया जाता है या कन्या पूजन पहले किया जाता है, तो देखिए हवन पहले किया जाता है, बाद में कन्या पूजन करते हैं। माता का हवन करने के उपरांत हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, उनका चरण धोते हैं और उन्हें अच्छे से भोजन हम परोसकर उनकी पूजा करते हैं और उनको खिलाते हैं। तो बहुत सारे लोग नौमी को करते हैं और बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि को करते हैं। तो ऐसे तो मैं तो यही कहूँगी कि नौमी को ही करना ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये 9 दिवसीय रहता है, यह 8 दिवसीय नवरात्रि है, तो हमें व्रत जो है हमारा नौमी को ही पूरा होता है, तो हमें नौमी के दिन ही करनी चाहिए, अष्टमी पर अपने व्रत को नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि ये 9 दिनों का होता है। नौमी के दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और हवन भी साथ में करते हैं। तो ये 14 अक्टूबर को हमें करनी है, और 15 को विजयदशमी है, जो कि आपको मालूम ही है पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपके मन में जितने डाउट हैं, जिस माता के पूजा को लेकर आप चिंता कर रही थी कि 8 दिवसीय है तो किस माता की पूजा कैसे करें, कब करें, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दी। तो इस प्रकार से आप अपना भोग को ही लेकर आप लोग को चिंता था कि 9 दिन में 9 प्रकार के हम भोग माता को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं प्रसाद, तो कैसे चढ़ाएं, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। चतुर्थी और पंचमी का एक दिन या तो आप कर सकती हैं, या पंचमी और षष्ठी को एक दिन पूजा कर सकती है, दोनों किसी एक दिन में से आप चयन कर लीजिए। 2 माता का एक दिन ही कर लेंगी तो आपके पूरे पूजा मतलब अच्छे से 8 दिवसीय कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।